अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। मेरा नाम रजा फराज बुखारी और आप सबका स्वागत है नजराज लिटिल वर्ल्ड में। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल के पराठे, जिसके लिए मैंने ले लिया है मसूर दाल। जो मैंने कल रात में बनाई थी वो मेरे पास बच गई थी, और मैंने आटा ले लिया है चक्की का, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के हल्दी, आधी टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। सो गाइज, मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है जो मैंने चॉप कर लिया था, और एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको भी बारीक चॉप कर लिया, और मैंने 3 हरी मिर्चें भी चॉप करके डाल दी थी। अब आ जाती है जो मैंने दाल बनाई थी कल रात में, वो बच गई थी, वो मैं शामिल कर रही हूँ। सो गाइज, यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, दाल हमें बिल्कुल जो है ख्याल से डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि हमें आटा जो है सख्त चाहिए, जैसे हम बनाते हैं पराठों के लिए वैसे आटा चाहिए। सो गाइज, अगर यहाँ पे आपको दाल कम पड़ती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं हसबे ज़रूरत। सो गाइज, मैं एक बात शेयर करना चाह रही थी आपसे कि मैं जो भी मेरे पास कभी ऐसी चीज़ें बच जाती हैं, जैसे दाल हो गई, कोई भी दाल हो, या कीमा बच गया, या गोभी आलू बच गया, या पालक आलू बच गया, कुछ भी बच जाता है, तो मैं दूसरे दिन उसके पराठे बना देती हूँ सेम इसी तरीके से। सो गाइज, बात आती है अब बेलने की। यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से बेल लेंगे। सो गाइज, यहाँ पे हमें तवा गरम चाहिए, और ये हमने डाला पहला पराठा। सो गाइज, अब बारी आती है घी की, उसको अच्छे से हम घी लगा लेंगे। पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। सो गाइस, हमारा पहला दाल का पराठा रेडी हो चुका है। अब बारी आती है दूसरे की, दूसरे पे भी घी लगाएंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।